Co-powered by Techno. गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है। मैं अभी पटना के कच्ची दरगाह के इलाके में हूं और यहां पर जिस तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है वो देख करके सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंगा अपने कितने भयावह रूप में है। यहां पर पानी की गहराई को दिखाने के लिए एक मीटर लेवल भी है और साथ ही साथ आप गंगा नदी की बढ़ी हुई पानी का अंदाज़ा ये इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये एक दुकान है। ये दुकान तकरीबन 6-7 फीट ऊंची थी और ये अभी पानी के जद में है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गंगा नदी का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। साथ में ये तमाम लोग हैं जो नदी के उस पार रहते हैं, उनके आने और जाने का एकमात्र जरिया ये गंगा नदी ही है। इस नाव पर लोग तो हैं ही, साथ ही साथ तमाम गाड़ियां हैं। हमारे साथ इस इलाके के कई लोग हैं जो गंगा नदी के इस भयावह रूप के बारे में जानते हैं, बताते हैं। ये गंगा नदी का जो पानी है ये कितने दिनों में इतना बढ़ा? 4 दिन के अंदर में ऐसा हुआ है, 4 दिन के अंदर में ऐसा पानी बढ़ा है। पहले पानी कम था, पानी कम था, वहाँ था पानी। ये जेटी जो है बहुत उधर था, ये जो जेटी हम लोग खड़े हैं ये और पीछे था, अंदर था ये 100 फीट, 100 फीट नीचे। यानी कि 4 दिन में 100 फीट कम से कम पानी बढ़ के आ गया है। 100 फीट आगे में बढ़ गया। अच्छा, ये जब बाढ़ का पानी जब बढ़ जाता है ये हमेशा का है कि इसी तरीके से आप लोग आते जाते हैं? इसी महीना में बढ़ता है, तो फिर आगे चल के फिर घटने लगेगा। इस महीना के बाद से घटने लगेगा ज़्यादा, अगर सितंबर के बाद से गिरने लगता है। हाँ, सितंबर तक ऐसा रहता है, सितंबर के बाद से घटने लगता है। मतलब अभी सितंबर चल रहा है तो ये पूरा महीना ऐसा ही रहे? हाँ हाँ, अभी ऐसा है। मतलब पूरे महीने आप लोगों को अपने जान को खतरे में डाल के अप डाउन करना पड़ा? क्या करें, हम लोग गरीब आदमी को नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, इस पर से नहीं सामान ले जाएंगे तो बाल बच्चे क्या खाएगा? खरीद के तरह जाना ही है। जानवर के 10 रुपया कमाते हैं तभी तो बाल बच्चा खाता है, नहीं आएंगे तो भूखा मर जाएगा। मतलब अगर रोजगार के लिए तो जान को खतरे में डालना ही? हाँ, क्या करेंगे, डालना तो पड़बे करेगा। ये जो नाव, ये लोग हैं, इन लोगों का किराया कितना होता है और ये कब से शुरू हो जाता है? ये पीपा पुल टूटने के बाद नाव चलने लगता है तो 5 रुपया एक आदमी का 5। सुबह कितने बजे शुरू होता है ये? सुबह है 6 बजे। रात में? रात में लोग कमा के आते हैं लेट फेट, 8-9 बजे तक चलता है। 9-10 बजे 11 बजता है लेट। अब नहीं नाव चलेगा तो जो लोग मजदूरी करके आते हैं, मजदूरी करके आते हैं यहाँ रह जाएंगे तो उनका बाल उतरी क्या खाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, पीपा पुल जब इसको हटा, जब पानी का लेवल बढ़ता है तो हटा दिया जाता है, तो पीपा पुल फिर लगाया कब जाता है, वो कितने दिनों तक रहता है? वो मान के चलिए 5 महीना चलता है पीपा पुल। पीपा पुल 5 से 6 महीना, 5-6 महीना बहुत ज़्यादा चला था, 6 महीना। उस पर भी एंट्री होती है या फ्री होती है? वो आने जाने का कुछ पैसा लिया नहीं, फ्री है। आप लोग यहीं रहते हैं या उस तरफ के हैं? कितनी दिक्कत होती है आप? बहुत ज़्यादा सर, बहुत परेशानी होती है रहने में हम लोग का, हमेशा खतरा बना रहता है। जी सर, खतरा तो बना हुआ रहता है, खतरा झेल के हम लोग आते हैं जाते हैं सर, क्या करें, मजबूरी। अच्छा, खाने पीने की क्या दिक्कत उधर होती है? खाने पीने के तो अब सर दहा गया, राशन पानी का सब चीज़ का दिक्कत होगा सर। दुकान जाने में भी पानी भर डुबा हेल कर जाना पड़ेगा, बहुत सा प्रॉब्लम है। उधर अभी क्या सिचुएशन है, वहाँ भी इतना ही पानी बढ़ा हुआ है? जी, सब तरफ दूरा दूरा सर पानी गया हुआ है। अच्छा, मनुष्य तो अपने खाने पीने का जुगाड़ कर लेता है, मवेशियों के लिए कैसे इंजाम होता है? तो कैसे बता सर, मवेशियों के लिए तो जब मधुस के रहने का भी जगह नहीं तो उसको कहाँ से होगा सर? बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत है सर, बहुत ज़्यादा सर। तो मवेशी का खाना कैसे आप लोग फिर इंजाम करते हैं? बिचाली खरीद के ले जाते हैं इधर से ही? हाँ, बिचाली इधर ले जाते हैं, बिचाली है, चोकर है, इसको इधर खरीद के ले जाना है। ये परेशानी होती है तो आप लोग जो भी आपके प्रधान हैं, मुखिया हैं, कोई भी हैं, उनसे आप लोग गुहार लगाते हैं कि भाई ये हमेशा चलता रहेगा कि कुछ समाधान भी होगा? वो लोग चुनाव भर ही रहते हैं, मुखिया लोग जो होते हैं चुनाव भर, तो भर दिन 3 बार 13 बार भेंट करते हैं, चुनाव के बाद तक कहते हैं आप हमको मतदान नहीं किए हैं, मतलब नकार देते हैं। हाँ,
चुनाव के बाद तो फिर मतलब ही खत्म हो जाता है सर। बस चुनाव के बाद से आना भी नहीं पसंद करते हैं? नहीं, ये गांव के जो मुखिया लोग होते हैं इन लोग क्या कहते हैं, और जो विधानसभा से जीत जीत के जाते हैं तो बड़ वक्त आते हैं नहीं। इलाका किस नेता का आता है, किसका विधानसभा क्षेत्र? तस्वीर जी का है। नहीं तो आते हैं लेकिन बार बार नहीं आते हैं। अभी जो बाढ़ बढ़ा है तो इस बीच में कभी आए थे कि नहीं? नहीं आए हैं इधर। डर से वो नहीं करेंगे, हम बताते हैं ना सर। आएंगे ना क्या है, उनके पास डर थोड़ी ना, वो भी तो पानी से डरते हैं। एक आदमी ना, आप लोग वोटर हैं, पानी से डरना अलग चीज है, लेकिन आप लोग वोटर हैं, आप लोग वोट देते हैं। आवागमन नहीं है लेकिन आते हैं, पीपा पुलिस रहता है ना तो आते हैं। एक आदमी ना पहले भी आए थे, कुछ आश्वासन दिए कि मतलब इसका समाधान हम लोग कर सकते। बोलने के लिए कहते हैं कि इसमें छह पुआ का पुल बना देंगे, फिर कहते हैं कि बगले बगले पुल बनेगा। तो वो लोग से रुस्तम 4-5-10 गांव का फायदा नहीं है, वो पुल से 5-6 गांव का फायदा नहीं है, रुस्तमपुर, फैदाबाद, बहरामपुर, मल्लीपुर लोग का फायदा नहीं है। मतलब इसका एक ही समाधान है कि गर्मी के दिनों में पीपा पुल और बरसात के दिनों में नाव, इसके अलावा कुछ ना। अभी समय में अगर पियाती लोग 6 रुपया का पुल रहता आने जाने में उतना कठिनाई नहीं होता, कखनी लोग आता कखनी जाता है, नाव के कोई काम है नहीं रहता। और अभी किसी की बीमारी, अगर जो 6 रुपया का पुल हो जाएगा तो इसके नाव का कोई काम नहीं है, अब नहाते जाते रहेगा, कोई परिश्रम नहीं होगा, खूब पानी है, अभी बीमारी हो जाती लेके आना ही पड़ेगा। बीमारी उमारी जब भगवान न करे किसी की तबीयत खराब होती है और ऐसा अगर ये हालात सिचुएशन हो तो फिर आप लोग कितनी दिक्कत उठाएंगे सर? बहुत ज़्यादा हम लोग दिक्कत उठाएंगे आने के लिए पुष्टि सर। कोई व्यवस्था नहीं होगा तो पानी है, पानी भी होगा सर तो ये लेके आना होगा, कोई व्यवस्था है नहीं। ये कोई व्यवस्था दे चुकी नहीं है सर, दियर में राघोपुर क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। दाहर में बोलता है नाव देंगे या देंगे, कोई व्यवस्था नहीं सर। ये जो नाव चलती है ये सारी प्राइवेट है? नहीं सर, ये सब प्राइवेट है, एक भी सरकारी इसमें नहीं है, सब प्राइवेट है। ये जो जेटी है ये कच्ची दरगाह का, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ इसके थोड़ी दूरी पर ये पीपा, ये गाड़ी निकालने में लोगों को कितनी दिक्कत होती है आप देख सकते हैं। ये खुद यहाँ गिर गए गाड़ी निकालने में, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे हालात किस तरीके के हैं, लोग कितने अपने जान को जोखिम में डाल के आते जाते हैं। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से ठीक पीछे ये पीपा पुल है, यही पीपा पुल है जो गर्मी के दिनों में इसी का उपयोग ग्रामीण करते हैं और आते जाते हैं, लेकिन जैसे ही गंगा नदी का लेवल बढ़ता है वो पीपा पुल खोल दिया जाता है। इसी पीपा पुल के दाहिनी तरफ वो पुल भी है जो 6 लेन का है, जो कच्ची दरगाह और बिदुपुर का है। कहानी बहुत है और कहानियाँ बनती भी रहती हैं, सरकार आती है सरकार चली भी जाती है, लोगों की परेशानी बदस्तूर जारी रहती है। ये एक दिन की कहानी नहीं है, हमेशा की कहानी है। लोग आते हैं जाते हैं, अपने जान को जोखिम में डालते हैं, सरकार है कि सुनती नहीं है। परेशानी ये है कि आखिर ये ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ, अपनी बात किससे बताएं। सुहित कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। को पावर्ड बाय टेक्नो।